दोस्तों, हवाई जहाज में यात्रा करते वक्त आपके मन में भी ये सवाल जरूर आया होगा कि हवाई जहाज के टॉयलेट की गंदगी जाती कहाँ है। असल में हर हवाई जहाज के टॉयलेट में काफी बड़ा टैंक लगा होता है। हवाई जहाज का ये टैंक इतना बड़ा होता है कि इसे भरने के लिए 40 साल का वक्त लग सकता है। अब आप ये समझ सकते हैं कि ये टैंक कितना बड़ा होगा। अब होता ये है कि जब कोई यात्री टॉयलेट करने के लिए इसके टॉयलेट का इस्तेमाल करता है तो टॉयलेट की सारी गंदगी उस टैंक में स्टोर हो जाती है और जैसे ही प्लेन लैंड करता है वैसे ही इस टैंक को खाली करने के लिए टैंकर हवाई जहाज के पास आता है। इस टैंकर में एक पाइप लगा होता है। इस पाइप को जहाज के उस हिस्से से जोड़ा जाता है जहां से टैंक खाली किया जाता है। इसके बाद बटन दबाते ही टैंक की सारी गंदगी टैंकर में चली जाती है। फिर टैंकर इस सारी गंदगी को लेकर डिस्पोज कर देता है।